ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। ब्रेकिंग न्यूज अमेठी से, पेड़ की पत्तियां बकरियों द्वारा खिलाने से मना करने पर दबंगों ने पूर्व सैनिक के परिवार से की मारपीट। मामला कोतवाली अमेठी के ग्राम सैदापुर मजरे नुवावा का है, जहां से अनिल कुमार दुबे ने बताया कि उनका बड़ा बेटा उत्कर्ष द्विवेदी अपनी बाग में टहल रहा था और वहीं पास में ही अमजद पुत्र जाकिर हुसैन बकरियां चरा रहा था और बकरियां छोटे पेड़ों की टहनियां खा रही थी और आम को भी नुकसान पहुँचा रही थी। जब मेरे बेटे ने मना किया तो अमजद ने आवाज़ देकर अपने परिवार के लोगों शाहरुख, अफजल, कटाले, शब्बीर आदि को लाकर मेरे बेटे को खूब मारा पीटा और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए चले गए। उस समय मैं घर पर मौजूद नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तो घटना की जानकारी मुझे हुई। मैंने तुरंत अपने बेटे और पत्नी को लेकर अमेठी कोतवाली पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। तत्पश्चात मेरे बेटे का मेडिकल कराया गया और बेटे व पत्नी को घर भेजकर मुझे कोतवाली में बिठा लिया और मेरा मोबाइल भी ले लिया गया। सुबह करीब 7 बजे मेरा बेटा उत्कर्ष और मेरी पत्नी चाय लेकर मेरे पास आई तो पीछे घर पर विपक्षियों द्वारा हमला कर दिया गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी छोटी बेटी ने विपक्षी लोगों को घर की तरफ आता देखकर गेट बंद कर ताला लगा दिया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। विपक्षी लोगों ने जब गेट बंद देखा तो बाहर से ही ईंट पत्थर मारने लगे और गालियां देते और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। उक्त घटना की जानकारी बच्चों ने कोतवाली में ही मौजूद मेरी पत्नी को दी। पत्नी ने सादी वर्दी में मौजूद एक सिपाही से पूरी घटना बताई तो उसने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने फोन करके पता किया है, वहां पर कुछ नहीं हुआ। जब मैंने किसी से फोन करवाया तो विपक्षी पार्टी के अफजल को पुलिस पकड़ लाई और थोड़ी देर बाद मुचलके पर छोड़ दिया गया। शाम तक मुझे भी 151 में जमानत पर छोड़ दिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमेठी से रामप्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट।